बस मनोवृत्ति को देखते रहो।
मनोवृत्ति को देखते हैं, या जैसे अवांछित वृत्ति मन में उठे उसको निगेट कर दीजिए, तो मन धीरे धीरे अमन हो जाए। इस प्रकार मन की स्थिति को समझना चाहिए। और कहने की अरे मन का वृत्ति नहीं उठाना, तब तो ये तो सुशुद्धि के समान ही मन हो गया होगा, इसको क्या जानना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नियत ही के अंग और सुशुद्धि से भिन्न है। और न तत्सम, सुषुप्त में तो मन लय प्राप्त करता है, परंतु यहाँ जो मन जो है लय नहीं प्राप्त करता है। मन शुद्ध ब्रह्म के साथ मतलब अधिष्ठान के साथ एक होकर के उस व्यापकता के भाव में आ जाता है। ये बड़े चिन्ह चिदाभास के साथ तादात्म्य को नहीं करके बल चित्त के साथ तादात्म्य करते हैं, पर वो व्यापकता को समझ में आता है। सुषुप्त के अर्थ न तत्सम है ना, कि दोनों में भिन्नता क्या है। कल 35 से शुरू होगा ना, 34 पूरा हो गया था। दोनों में भिन्नता क्या है उसको लेकर के ये जो बोला ना कि दोनों की प्रचार में भिन्नता है ना, सुषुप्ति अवस्था में मन की प्रचार और निर्वृत्त मन की प्रचार में भिन्नता। प्रचार मतलब स्थिति में भिन्नता है। यहाँ पे क्या होता है, सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, समस्त अनर्थ के बीज अज्ञान में सब चीज को छुपा करके सोता है। और यहाँ पे होता है जागृत काल में जाकर के सुषुप्ति में जाते हैं, समस्त अज्ञान को भी नाश हो जाता है। ये दोनों की भिन्नता है। अगले श्लोक के लिए मतलब 35 नंबर श्लोक के लिए टीकाकार उपलब्धा दे रहे हैं, ठीक है, पेज 180। मनस सुषुप्त समाहित प्रचार भेदो अस्ति इति उक्तम तत्र हेतुनाह। अपने पहले प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा किया कि सुषुप्ति काल में मन के लिए प्रचार और समाधि काल में मन के लिए प्रचार और दोनों में भिन्नता है। इसलिए बोलते हैं मनस मन का सुषुप्तस्य समाहितस्य च, एक सोया हुआ मन और एक समाहित मन, ठीक है ना। मन का दो भाग कर दिया, एक सुषुप्तस्य मनस समाहितस्य च मनस, है ना, समेत मन का प्रचार भेद अस्ति, दोनों की स्थिति में भिन्नता है, दोनों में भिन्नता है। प्रतिज्ञा यदि उत्तम पहला श्लोक में कहा आपको कैसे है, तत्र हेतु मान, इस विषय में हेतु कहेंगे, हेतु कहते हैं। प्रत्येक हमारी शैली ऐसी है, प्रतिज्ञा करेंगे तो उसको समझाने के लिए कोई हेतु देंगे, असम प्रतिष्ठा तो देंगे, यहाँ पे हेतु को कह देगा। श्लोक लीयते ही सुषुप्ते तन, लीयते ही सुषुप्ते तन, निगृहीतम न लीयते, निगृहीतम न लीयते, तदेव निर्भयं ब्रह्म, तदेव निर्भयं ब्रह्म, ज्ञानालोकं समन्ततः, ज्ञानालोकं समन्ततः, लीयते हि सुषुप्ते तन् निगृहीतं न लीयते, तदेव निर्भयं ब्रह्म, ज्ञानालोकं समन्ततः। तन्मत तन्मन मन की करता है, तन मन सुषुप्ते तब मन सुषुप्ते ही लीयते, निश्चित ही सुषुप्ति काल में मन क्या होता है, सुषुप्ति में लय प्राप्त कर जाता है। और निगृहितम न लीयते, परंतु वही मन इसलिए तन पत्र बीच में रखा, तन का दोनों सुषुप्तिगत मन और समाहितगत मन, इन दोनों में भिन्नता है। सुषुप्ति में क्या होता है, अज्ञान में लय प्राप्त करता है और यहाँ पे अज्ञान को नाश कर देते हैं। वो मन सुषुप्ति अवस्था में लय प्राप्त करते हैं, परंतु विचार पूर्वक है ना, विवेक पूर्वक देखने की अभ्यास करने का फलस्वरूप जो मन जब निगृहित हो जाता है, मतलब ग्रहण करने जो कोई बाहरी वस्तु रहता ही नहीं रहता, क्या होता है, न लीयते, जगा रहता है, जब करके क्या होता है, वस्तु को पूरा समझता है। और देखते हैं कि नाम रूप परिच्छिन्न होने पर भी इसके अंदर एक सच्चिदानंद पूर्ण शुद्ध चेतन तत्व भी प्रमाण है, ये उनके अंदर भावना निश्चल है। जब तक ये दृष्टि तो नहीं देखता, मतलब चर्म चक्षु ये तो नहीं देखता, ज्ञान चक्षु से उसको दिखाई देता है ना, इसीलिए उसको समझ में आता है। तदेव निर्भयम ब्रह्म, अब जब स्थिति को प्राप्त करेंगे अकेला पूर्ण असंग है ना, तो वही जो है भय रहित व्यापक स्थिति है, भय रहित व्यापक स्थिति है। ये जो निर्भयम बोला ना, मतलब क्या है, बीच में एक भय का स्टेज आएगा,
बीच में, क्योंकि हमेशा हम लोगों की अभ्यास क्या है, मन की अभ्यास है उपाधि के साथ मिल करके अपने को देखना। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे, जैसे आपको सारा उपाधि छूट जाएगा, सडनली एक फियर वृत्ति मन में उठेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, घबराहट हो सकता है। उस समय जो है यदि स्थूल सा यदि मतलब ईश्वर के बाद शास्त्र बात को यदि मन में आ गई, हाँ यही दो स्थिति है। शास्त्र में बोला था कि बस ये यही छूट, जैसे स्वरूप मतलब उपाधि के साथ तादात में छूटते अपनी क्या होता था, फिर निर्भय स्थिति में आ जाता। हाँ विद्या कोई भय भगवती देखते सुन तो भय हो रहा था, अब देखते चला गया निर्भय तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानालोक संबंध। उस समय क्या होता है, चारों तरफ जो है एक ज्ञान की प्रकाशमता, एक शुद्ध चेतन, एक पूर्ण विद्यमान असंग चेतन यही है और कुछ भी नहीं है। इस भाव से जो है मन स्थिर है, ज्ञानालोकम संबंधत ज्ञान की जो प्रकाश, ज्ञान की प्रकाश मतलब यही है कि सच्चिदानंद भिन्न कुछ नहीं है संसार स्वरूप बोलते हैं ना, तो जो है ना जो विकार में बाधित नहीं होता, इस प्रकार चेतन तत्व ही आनंद में स्वरूप के साथ पूर्ण विक्रम है, ये जो है आपको उनके अनुभव में आता है। तो संबंध का मतलब चारों तरफ ज्ञान की प्रकार, चारों तरफ ज्ञान की प्रकार ज्ञान दृष्टि खुल जाने के कारण हर समय हर प्रमुख भाव में या तो अपना स्वरूप स्थिति, या तो शुद्ध चेतन ब्रह्म स्थिति, या तो ईश्वर स्थिति, जैसा जिसके जिसको जैसा ध्येय मन को जैसा तैयार किया तब उनको अनुभव। टिप्पणी का यहाँ पे एक नंबर टिप्पणी पर बोलते हैं, जैसे एक जगह पे देखिए लियते ही सुषुप्तम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति प्रयोग किया, निगृहितम तन न लियत, और निगृहित मन वो लय प्राप्त नहीं करता, निगृहित को मन का विशेषण बनाते हैं। तब इसे सुषुप्तम मन ऐसा कहना चाहिए था, मतलब समझना ऐसा सुषुप्तम, इसलिए आप एक नंबर टिप्पणी बोलते देखो अत्र सुषुप्तम इति युक्तम पठित, यहाँ पे सुषुप्त मन और निगृहित मन, सुषुप्त मन और निगृहित मन ये बोलना अधिक अच्छा होता। मन का ही विशेषण है दो वाक्य ना, एक सुषुप्त सोया हुआ मन और एक निगृहित मन, इसीलिए हाँ जैसे भगवान भाष्यकर ने सुषुप्त का सुषुप्तों में अर्थ किया है उसने, वहाँ पे तो कोई ये नहीं है, परंतु टिप्पणी कर बोलते हैं मतलब मन की विशेषण है, मन की विशेषण है, क्योंकि जब आप सारा निश्चय करें तो मन के द्वारा ही जानकर सब सुषुप्त की कल्पना किए थे, मन अब क्या हो गया सोया हुआ, डिफरेंस समझ में आया। अत्र सुषुप्तम इति युक्तम पठितुम, यहाँ पे सुषुप्ते के जगह पे सुषुप्तम, क्योंकि मन का विशेषण है, मन ने क्या देता है मन का विशेषण, जैसे निगृहितम निगृहितम मन न लियते सुषुप्तम मन लियते, ये अभिप्राय है निगृहितम मन न लियते सुषुप्तम मन लियते, सोया हुआ मन लय प्राप्त। आगे ना बोलेंगे कि लय संबोध है चित्तम विक्षिप्तम समय लय प्राप्त हुआ मन को अत्र सुषुप्तम इति युक्तम पठितुम, यहाँ पे सुषुप्तम ये पढ़ना युक्ति संगत है, क्यों मतलब अर्थ करने के लिए समझना है इसको, निगृहितम इति जैसे निगृहितम मन न लियते सुषुप्तम मन तो लियते। अच्छा दो नंबर टिप्पणी होते हैं तदेव निर्भयम ब्रह्म तदेव मतलब ब्रह्म देव इति है ना, यही जो है भय रहित व्यापक तत्व है, जब ब्रह्म स्वरूपम तद विशेषण, जो ब्रह्म का स्वरूप है वो किसके द्वारा विशेष है, निर्भय स्वरूप है, निर्भय स्वरूप है, इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म एव तदेव मतलब ब्रह्म एव इति ब्रह्मैव इति अर्थ, जब ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म का व्यापकता की असंगता की स्वरूप है, यही जो है उसका इसका उसके तद यदि ब्रह्म का विशेषण कह निर्भयम तद विशेषण निर्भय इत्यादि, इसका निर्भय मतलब पहले तो लगता है कि जो है अकेला में डर लगता है, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए जंगल में जाकर अकेला तपस्या के लिए बैठे तो एक दो दिन शुरू से में डर लग सकता है, कोई चोर आ गया तो कोई भूत आ गया तो कुछ ये हो गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे ही वहाँ कुछ काम के में रहने का आनंद करने लग जाता है, हाँ कोई चिंता नहीं, तब तक शांति से वहाँ पे रहता है। इसीलिए यहाँ पे बोला कि तदेव यही जो है निर्भय ब्रह्म, भय रहित ब्रह्म स्थिति है, क्योंकि उस समय ज्ञान की प्रकाश जो है पूर्ण रहता है, जब ये निश्चय हो जाता है। ये सब डर हमको क्यों लगता है, पशु आ सकता है, धूप पे आ सकता है, भोजन मिल सकते नहीं मिल सकता, ये सब डर हमको क्यों लगता है, क्योंकि शरीर के तादाद होता है, भूत पे शरीर को सूक्ष्म शरीर को पकड़ेगा, अथवा पशु आएगा तो स्थूल शरीर को पकड़ेगा, इस प्रकार के झूठ झंझट शरीर में परेशानी होगी,
इस शरीर में तादात्म्य रहने के कारण ये सब गर्व होता है। जब ये निश्चय हो जाता है गरीब में शरीर से भिन्न में वचन में व्यापक करते हैं किस बात की गर्व किससे ये चीज के लिए बोलते हैं तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञानानुपम संबंध है। ज्ञान की प्रकाश सार्वकल्प ही ज्ञान की प्रकाश है। निर्भीक होकर के जीना है। मरना जीना शरीर के धर्म है, वो हमारे धर्म नहीं है। भूख प्यास मन की धर्म है और वो प्रारब्ध के द्वारा संपन्न निष्पारित होते हैं। भगवान ने जैसे प्रारब्ध बनाया जहाँ कहीं भी रहूँगा वहाँ तो उत्तम शरीर धारण के लिए जो आवश्यकता है वो मिलेगा। क्योंकि इस शरीर के लिए मातृ गर्भ में संतान आने से पहले मातृ स्तन में दूध आ जाता है, यानी कि उस शरीर आने से पहले उनके लिए भोजन का व्यवस्था ईश्वर ने करके रखा। यदि एक जगह पर सत्य है तो सारा जगह पर सत्य है। यदि कर्म है तो मिलेगा मिलेगा भोजन कहीं भी रहे कैसे भी। इस भाव से जब धीरे धीरे निश्चय हो जाता है मन में कि बस भोजन मतलब स्थूल भोजन नहीं सूक्ष्म भोजन भी मतलब योगोक्षम महम महम की जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा हर क्षेत्र में लागू होता है। मतलब स्थूल आवश्यकता सूक्ष्म आवश्यकता हर प्रकार की जो है आवश्यकता ईश्वर पूर्ति करते हैं केवल निर्भरता चाहिए। आगे देखिए बोलते हैं कि लीलत ही सुषुप्त पहुँचा समाटिका में समाहित मनस दैत वर्जित स्वरूपम कथयति है ना। समाहित मन जो भेद नहीं देखता है, समाहित मन जो भेद नहीं देखता उसकी क्या स्थिति होती है। समाहित मनस दैत वर्जित प्रायाभाव हो गया मन ग्रहण करने जो कोई वस्तु नहीं होता इसका स्वरूप की कथन करके स्वरूपम कथयति तदेव निर्भय ब्रह्म ज्ञानानुपम समन्वय। पूर्वार्ध से तात्पर्य आह है ना। इस श्लोक के पहला आधा भाग कौन सा होगा लियते ही सुषुप्तेतम न लियते सुषुप्त आधा भाग है पूर्वार्ध से तात्पर्य इसका नित्य तत्व को कहते हैं। अब भाष्य में आ जाएगी प्रचार भेदे हेतु आह किसकी प्रचार हाँ क्योंकि लोग ये सोचा कि इलेक्शन से पहले राजनीतिक दल भी प्रचार होता है ये प्रचार नहीं समझते हैं। ये जो है कि प्रचार अपने ही मन की प्रचार है अपने ही मन की जो है देखिए प्रचार और भेद मतलब मन की स्थिति मन की आचार विचार स्थिति इसमें भिन्नता में हेतु क्या है। सुषुप्ति में वो लय प्राप्त करता है और समाज अवस्था में लय नहीं प्राप्त करता है हेतु क्या है इसको हेतु कारण को कहते हैं। कारण का क्या बोलते हैं भाष्य में लीयते ही सुषुप्त ठीक है ना सुषुप्ति। अब देखिए भाष्य का तो शब्द में अब देखिए वहाँ पे सुषुप्त है यहाँ पे सुषुप्ति है लीयते सुषुप्त है ना सुषुप्ति अवस्था में बना सुनिए सुषुप्ति अवस्था में जस्मा क्योंकि ही शब्द का लीयते ही इस शब्द का अर्थ क्या कर दिया जस्मा की मतलब जस्मा क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में सर्वाभि अविद्यादि प्रत्यय बीज वासनादि सह तम रूपम अविशेष रूपम बीज भावम आपद्यते। यहाँ पे कौम कर कौम है लियते सुषुप्त लियते मूल में है सुषुप्ति अवस्था में जस्मात् क्योंकि मतलब ही अर्थ कर दिया सर्वाभिर अविद्यादि प्रत्यय बीज वासनादि है ना संपूर्ण जितना अविद्या अविद्या से आदि से क्या देख वहाँ पे आदि मतलब मध्य क्लेश अविद्या अस्मिता राग क्लेश अक्लेश है ना अविद्या अथवा अविद्या काम कर्म और कर्म के फल ये आदि चश्मा सर्वाभिर सारे अविद्यादि प्रत्यय अविद्या से लेकर के जो वृत्तियाँ मन अविद्या उसका कुछ प्रत्यय का बीज वासना जिसको वृद्धि उठने के पहले क्या कारण है कि वासनाओं के बीज हमारे चित्त भूमि में बैठा होगा। वासनाओं के बीज जिसका चाहिए वो चाहिए या अच्छा चाहिए ये बीज हमारा ये अनुकूल प्रतिक्रिया बीज हमारे अंदर बैठा चित्त भूमि में बैठा होगा। ये अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी अविद्यादि आदि से लेकर के अविद्या काम कर्म अथवा अविद्या स्मृतर आदेश अभिनिवेश दोनों को ग्रहण हो सकता है। इसका जो वृत्ति उस वृत्तियों का जो बीज अवस्था वस्तु प्राप्ति की इच्छा उसके साथ में वो क्या होता है तम रूपम है ना सुषुप्त तम रूपम आपद्यते। सुषुप्ति अवस्था में तम रूप मतलब जिस प्रकार कि आपको दिन के प्रकाश में पहाड़ नदी मकान दुकान सब दिखाई पड़ रहा है
परंतु उस स्थिति को सोचिए जिस समय बिजली नहीं है और अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ भी वस्तु नहीं दिखाई दे, एक अंधेरा ही अंधेरा है। वस्तु कहीं गया क्या? वस्तु वहाँ पे विद्यमान है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारा सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, सारी वासनाओं का बीज वहाँ का ऐसे गह जाता है, परंतु एक आवरण आ जाता है। क्या, मैं सो गया, अज्ञान के एक आवरण, अज्ञान के अंदर से बीज वहाँ पर रख करके तमो रूपम आपद्धति, एक घोर अंधेरा जैसा रूप को प्राप्त करता है, आपद्धति अन्याय होगा, ठीक है। यही मतलब जस्मा सुषुप्तो सर्वाधि अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी समस्त अविद्या से उत्पन्न होता है, जितना वासना उस वासनाओं की बीज जो है उसके साथ देख करके साथ में रख करके एक आवरणात्मक रूप है, कमल आवरणात्मक ये आपद्धा के साथ अन्याय होगा। तो इसलिए कमल रूप पर समझा रहे अविशेष रूपम बीज भावम है ना। यहाँ पे तो अविशेष हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, परंतु बीज भाव में नहीं जाता। असुषुप्ति में क्या होता है कि सब बीज भाव में चला जाता, अपने ही अंदर बीज भाव में चला जाता है। जैसे जगते हैं तो पहले शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं, फिर तादात्म्य करते मेरा मेरी वस्तु के साथ तादात्म्य वहाँ वहाँ तादात्म्य है। इसीलिए सुषुप्ति में ये स्थिति होती है, सुषुप्त भी तस्मात सर्वाभि अविद्यादि वासना भी अप्रत्यय बीज वासना भी सह तम रूपम आपद्यते, ये तम रूपम आपद्यते का एक अर्थ है, अविशेष रूपम बीज भावम इसका अर्थ है, ठीक है ना। जो अविशेष एक बीज भाव है, अविशेष बीज का मतलब जैसे प्रकार की एक वृक्ष की जो क्षेत्र को मुझे जैसा पड़ता है, नैप्रम बीज माने लाया एक भिंदी, भिंदी भगवाई थी कि प्रशसित बोलते बहुत छोटा वस्तु दिखाई देगा, इसमें से एक दाना निकालो उसको तोड़ो तो तब क्या दिखाई देगा, मतलब कुछ नहीं दिखाई देगा, ये भी तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, इसमें पूरा बड़ वृक्ष भरा हुआ है। ये हो गया आपका बीज भाव, ये हो गया बीज भाव, जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उसी के अंदर हर चीज जो सूक्ष्म रूप में है, यहाँ ये सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्त अवस्था इस भाव को प्राप्त करता है, अविशेष रूपम बीज भाव आप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार नंबर एक टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है, कहाँ पे है वो, अविशेष रूपम फिर बोलता है अज्ञानात् भेदेन अप्रतीयमान स्वरूपम इतिहास, अज्ञान में जो भी है इसलिए अलग करके नहीं दिखाई देता, अज्ञानात् अज्ञान के कारण भेदेन अप्रतीयमान रूपम, अलग करके नहीं दिखाई देता, भेदेन अप्रतीयमान स्वरूपम इतिहास, ये अविशेष रूप, ठीक है ना, अविशेष रूप। लेकिन शेत केतु को पिता को उसी बीच के अंदर जहाँ पे शेत केतु को कुछ नहीं दिखाई देना है और उद्दल कारण को वहाँ पे उसी बीच के अंदर सारा वृक्ष छुपा हुआ है, पूर्वक निरुद्धम निगृहितम सन न लीयते, इसका विपरीत, उसका विपरीत मतलब वही जो वो मन है ना, वही जो मन है क्या है, जो विवेक विज्ञान पूर्वक मतलब विवेक पूर्वक विशेष ज्ञान के साथ देखने के जब अभ्यास करते हैं, विवेक विज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक अपने मन को निरोध दिया, निरुद्ध बोले निरुद्ध मन है निगृहित मतलब मन को अच्छी तरह से अपने पकड़ लिया, प्रश्न करते सन होते हुए न लीयते तब वो लय प्राप्त नहीं करता, तब वो लय प्राप्त नहीं करता, शुद्ध अवस्था में जगा रहता, जब करके संसारिक वस्तु को लेकर के विचार करते निश्चय करते पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, इसलिए इसको विचार करने से लाभ नहीं है, अपने स्वरूप का चिंतन करो। इसीलिए बोलते हैं ये दो पाठ है, एक हो गया सुषुप्ति अवस्था में, और सुख श्लोक में देखिए तन निगृहितम न लीयते, ठीक है ना, तन निगृहित मतलब तत् निगृहितम न लीयते, तो हम भी लिखे तत्, श्लोक में जो तन है नकार के कारण तकार नकार दिखाई देगा, वहाँ पर दकार है तत्, अतः वो पाँच नंबर टिप्पणी देखिए, पाँच नंबर टिप्पणी विवेक आत्ममनुष्य आत्ममन भेद से ही ज्ञानम निश्चय तत्पूर्वकम इति विग्रह, विवेक क्या हो गया विचपृथक भावे है ना, विचार पूर्वक जड़ और चेतन को अलग कर दिया, मन हो गया जड़ और मैं हो गया चेतन, अभी क्या है मिलकर व्यवहार कर रहा है, क्या हो गया विवेक पूर्वक विचार पूर्वक जड़ और चेतन जो मिल नहीं सकता,
ठीक है उसमें प्रतिफलित हो रहा है परंतु उसके साथ संबंध नहीं है, दर्प के साथ मन का कोई संबंध नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे बोलता है विवेक विज्ञान पूर्वकम विवेकस्य, विवेक क्या है आत्म मनोभेदस्य, विवेक क्या है जड़ और चेतन की भिन्नता, आत्मा और मन का तो एक छोटा शब्द ले लिया क्योंकि मन ही सबसे प्रथम अभिन्न कार्य है, ये जड़ और चेतन की भिन्नता को जो जिसको समझ में आ गया बोध में आ गया ठीक है, वो चेतन तत्व अधिष्ठान में रहने के कारण ही ये जड़ात्मक पर ये वस्तु दिखाई पड़ते हैं परंतु दोनों में संबंध नहीं है ना। इस प्रकार विवेक विवेक से आत्म मनोभेद से ज्ञान निश्चय तत्व, जो ज्ञान क्या है उसका निश्चय वहाँ पे क्या बोला शब्द तद विवेक विज्ञान पूर्वकम, ठीक है ना, तो वहाँ पे विवेक हो गया आपका कि उसका यह विज्ञान विशेष ज्ञान मतलब ये निश्चय है ना, तत्पूर्वकम किस शब्द का अर्थ करें टिप्पणी करें यहाँ पे तद विवेक विज्ञान पूर्वकम, तो तत् शब्द से तो अर्थ हो गया उत्पन्न है वो मन जब विवेक विज्ञान पूर्वक विवेक विज्ञान पूर्वकम विवेकस्य, विवेक क्या हो गया षष्ठी का पूर्व समझ है विवेकस्य विज्ञान विवेक विज्ञान तत्पूर्वकम, ठीक है ना, इसलिए षष्ठी का पूर्व समझ समझे विवेकस्य आत्म मन भेदस्य विवेकस्य ही ज्ञान ही मतलब विज्ञान उसी का जो बोध मतलब निश्चय मतलब ये निश्चय हो जाना तत्पूर्वकम वो निश्चय ही इसका पहले है वो निश्चय पहले है जिसका इति विग्रह ऐसा यहाँ पे समझना पड़ेगा। किसका विशेषण हो गया तत्शब्द किसको कहना चाहते हैं हाँ मन को, मन को अभी विवेक पूर्वक देखने का अभ्यास हो गया है, इसलिए बोलते हैं तब विवेक विज्ञान पूर्वक, ठीक है समझ में पांच नंबर टिप्पणी उसमें विग्रह को दिखा रहा है विवेकस्य आत्म मनोभेदस्य है ना, विवेक क्या हो गया आत्मा और मन में जो भिन्नता एक जड़ और चेतन की भिन्नता ही समझ में नहीं यही है ज्ञान और इस विषय में निश्चय रहना, क्या निश्चय रहना जड़ और चेतन कभी मिल नहीं सकता, कोई भी जड़ चेतन के बिना भिन्न तो नहीं हो सकता, इसलिए हमारे ऊपर ये दिखाई देगा और ये निश्चय करने के लिए जड़ और चेतन में कोई संबंध नहीं तत्पुरु का उसको सामने रख करके निरुद्धम मन को अपने निर्गृहित मन को विरोध कर दिया तब तक अपहारी वस्तु सारा जड़ात्मक प्रकृति है इससे क्या लेना देना है मेरा, मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा नहीं करना चाहता, इसलिए प्रयोजन के अनुसार जड़ को जड़ की आवश्यकता होती है चेतन को जड़ की आवश्यकता, शरीर जड़ है उसको जड़ात्मक वस्तु की भोजन आदि वासस्थान ये सब जड़ है, वस्तु भी जड़ है अन्न वस्तु वासस्थान तीन ही चाहिए ना, अन्न के स्वरूप में जड़ है वस्तु के स्वरूप में जड़ है वासस्थान भी जड़ है, किसको चाहिए जड़ शरीर को चेतन को नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जड़ के लिए ये निरुद्धम निर्घृतम संपूर्ण निरोध होते हैं नलीयते, यदि ऐसा मन हमेशा जगा रहेगा तब लय प्राप्त नहीं करता, लय प्राप्त नहीं करता इसका मतलब क्या नहीं सोएगा क्या सोएगा, इसके ध्यान करना मतलब उसका जो प्रारब्ध के अनुसार जागृत स्वप्न जो भी शरीर की जो अवस्था है वो अपना सदा स्वरूप से होता रहेगा, परंतु जिसमें नहीं विज्ञान को विज्ञान या भी परिकों को भी कभी आत्मा की जागरूकता है उसका समाज में रहता है शरीर से होता है नहीं होता है इस प्रकार से कि यहाँ पे एक भी तमसन न लिए तो क्या होता है तम बीज भाव ना पद्धति, देखिए वहाँ के जो पहले जो क्या बोला था तम रूप जो बीज भाव है तम रूप बीज भाव ऊपर पहला पंक्ति उस भाव को प्राप्त नहीं करते हैं अभी मन, ठीक है वहाँ पे भी कौन है कि तद विवेक विज्ञान पूर्वक निरुत्तम निर्व्युतम सब न लिए जाते है ना कहा, ठीक है आप देखो दोनों में भिन्नता को अपने आप दिखा रहे हैं एक स्थिति ऐसी है एक स्थिति ऐसी है तो भेद क्या हुआ उसको समझा रहे तम बीज भाव ना पद्धति तम आवरणात्मक जो बीज अवस्था उस भाव को मन ना जिस समय प्राप्त नहीं करते क्योंकि वो बीज जो है आवरण जो है भंग हो जाता है आवरण भंग से होते हैं तब वो बीज भाव ना आवरण करते अभ्यास करते करते जैसे ही मन धीरे धीरे स्वरूप चिंतन करने लग जाता है तो मन मन कृष्ण स्वरूप संबंधित अर्थ चल जाता है स्वरूप का उस भाव को प्राप्त नहीं करता तस्मात, इसीलिए आप देखिए वो जो ऊपर बोल करके आया था जस्मात ही शब्द का अर्थ है उसके साथ जस्मात जत्तल और संबंध इसलिए युक्त है प्रचार और भेद, इसलिए ये कहना ग्रंथकार के बिल्कुल सही है कि दोनों की प्रचार में भिन्नता है दोनों स्थिति में भिन्नता है सुषुप्तस्य समाहितस्य च मनसः है ना, प्रचार और भेद किसका एक सोए हुए मन का और एक समाहित मन का है ना, इन दोनों मन में भिन्नता है इसको जो है इसीलिए जो लोग हैं धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं क्योंकि मन की स्थिति बदलता है
तो मैंने बोला कि योग दर्शन की समाधि भी है, वेदांत दर्शन की समाधि है। योग दर्शन में आपको वितर्क विचार आनंद अस्मिता इस प्रकार से संप्रज्ञात होता है, स्थूल वस्तु को अवलंबन देखा के मन। अब वेदांत में क्या विचार अवलंबन, विचार अवलंबन देखा के सारा जगत वस्तु मिलता रहता मन अपने के साथ संबंधित विकल्प होना बनता है। ये दोनों में मिलता है। इस अवस्था में मतलब जगा हुआ मन है। इस समय क्या होता है कि ग्रहण करने वाला ग्रहण करने जो को वस्तु को ग्रहण के माध्यम से ग्रहण करता है, परंतु उस समय क्या हो जाएगा सारा बंद हो जाएगा, भेदी बंद हो जाएगा। इसको बोलते यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्या एक मल द्वय वर्जितम। इस समय क्या हो गया ग्राह्य मतलब ग्रहण करने जो को वस्तु और ग्राहक मैं ग्रहण करने वाला हूँ, ठीक है। इस प्रकार दो यही मल है ना, ग्राह्य ग्राहक अविद्या के तो मल है ना, ये भी होता है अज्ञान स्वरूप के अज्ञान के कारण ये भिन्न है हमसे। और जब स्वरूप को पूर्ण रूप में देखेंगे अपने से भिन्न रूप में कुछ है ही नहीं, फल तो जाएगा ये ग्राह्य ग्राहक भेद चला जाता है। ग्राह्य ग्राहक ये चीज हम धीरे धीरे मतलब हमारा धीरे धीरे मन वेदांत को ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसका एक माइल स्टोन है। माइल स्टोन आप समझेंगे, जैसे अभी कोई वस्तु जिस वहाँ दिखा है ना वो खड़ा है, मन क्या पड़ेगा देखो वहाँ वो खड़ा है, धीरे धीरे खड़ा जाएगा नहीं वो नहीं है, मेरा ही एक रूप है, मैं ही कुछ देखूँ, क्योंकि आप उसे भिन्न कर कुछ देखेंगे नहीं। फल व्यवहार काल में तो वो होगा, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, विचार स्थिति में बस केवल ये धीरे धीरे ये वो भाव That, ये सेंस मन से निकल है, I alone exist, that भाव मन से निकल जाना चाहिए, तब धीरे धीरे आप पूरा आत्मभाव में आ जाए। इसीलिए तो यही मल है, इसलिए ज्यादा ग्राह्य ग्रह को अविद्या के तो मल द्वय वर्जित। इस समय ये ग्रहण करने योग्य वस्तु एक ग्रहण करने वाला यही जो है अज्ञान के द्वारा किया हुआ ये दोष है, मन मतलब दोष अज्ञान के द्वारा यही आवरण यही काम करता है, भेद मना कर दे वो अच्छा है बुरा है इसके मन करना चाहिए कुछ और ही बुद्धि उत्पन्न करता है। इस मल से ये दो प्रकार की मल से वर्जित हो जाता है। इसलिए तो खाली दो शब्द को लेकर भगवान नाथ चला कर दो उसमत अस्मत प्रत्यय हो गया विषय विषय बस एक दो प्रत्यय है, एक अस्मत ग्रहण हो गया उसमत खाली हो गया। इसलिए तो अविद्या वर्जित तदा परम अद्वय ब्रह्म एव तत्समृतम। उस समय क्या होता है वो मन जो है वो परम भेद रहित शुद्ध भेद रहित जो शुद्ध व्यापक करते हैं मन को भाग स्थिर हो जाता है। तदा परम अद्वय देखिए हिरण्यगर्भ भी एक अद्वय स्थिति है, ईश्वर भी एक अद्वय स्थिति है, भेद रहित स्थिति हिमन हिरण्यगर्भ है मन के साथ अभेद, ईश्वर क्या है सबका बीज रूप में अभेद है, परम यहाँ पे ना मन है ना बीज है ना दोनों चला गया था शुद्ध से परम अद्वय बोला भेद रहित परम सबसे श्रेष्ठ जो भेद रहित स्थिति है सजाती बीजाती सबद भेद से रही ब्रह्म एव चतुर्थ व्यापकता की भाव को ही समृतम मतलब उस भाव को अकम्पलिश मतलब उसको प्राप्त किया संपत्त उसने उत्तम मतलब प्राप्त हुआ उसका, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं परमाद्यम ब्रह्म एव समृतम इत्यथ तदे बने भय क्योंकि इस समय कोई भेद नहीं है द्वितीयाद भी भयम भवति इसलिए क्योंकि यहाँ पे भेद बुद्धि नहीं है यही जो है निर्भय स्थिति है, यही है निर्भय आनंद स्थिति है ना। तथा इस प्रकार की स्थिति होने के कारण ही तब एक निर्भय यही पर जो है भयभीत हो जाता है भयरहित स्थिति है क्योंकि द्वैत ग्रहण से भय निमित्त से अभाव ये प्रतिज्ञा किया ना तब भगवान बोला तद एव है ना भाग्य मूल में देखिए तद एव तद एव निर्भय है ना वही तीन स्थिति है भय भय स्थिति है क्यों भय क्या स्थिति है बोलते द्वैत ग्रहण से भय निमित्त द्वैत आप भय का निमित्त क्या था द्वैत का ग्रहण अद्वैत का ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए भय निमित्त है ना इसलिए द्वैत ग्रहण से भय निमित्त अभाव है ना ये वो बुद्धि नहीं हो रहा है त्याग बुद्धि चला गया I alone exist है ना बस आपका भय चला गया हमसे कुछ खोएगा भी नहीं यही तो भय होता है कुछ खोएगा अथवा नहीं मिलेगा
पर तो ना मिलने के लिए कुछ रहेगा ना खोने के लिए कुछ रहेगा, इसमें लड़ाई नहीं है। इसलिए बोलते हैं द्वैत घनस्य भय निमित्तस्य अभावा पदर शांतम अभयम ब्रह्म, है ना। ये है विक्षेप रहित भय रहित एक कहता, तो शांत से क्या है सर्वथम असंश्लिष्ट एक भय रहित नशंग एक भय रहित पूर्ण व्यापक स्थिति को प्राप्त करते हैं। एक नंबर टिप नहीं देखिए शांतम मतलब दैवैवरहितम, है ना, जहाँ पे कोई भेद नहीं। जद विद्या न विभेदे कुतस्य आनंदम ब्रह्म विद्या न विभेदे कुतस्य, है ना। इस तत्व को जान लेने पर फिर तो व्यक्ति का किसी से कोई भय नहीं रहता। जब विद्या उपनिषद में आया जब विद्या न विभेदे कुतस्य आनंदम ब्रह्म विद्या न विभेदे कुतस्य तदेव विशिष्यते, स्थिति वही है विशेष रूप में समझाते हैं क्या स्थिति है। ठीक है द्वैत नहीं है मैं तो है क्या, भेद रहित है तो क्या कुछ नहीं है क्या, नहीं हमारा स्वरूप है। वो स्वरूप क्या है उसको समझाने के लिए उसी को अवस्था को खोल लिया, भेद रहित स्थिति क्या होती है। तदेव विशिष्यते भेद रहित स्थिति उसी को विशेषित करके समझाते हैं। ज्ञाप्ति बोध मात्र ज्ञानम ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्य, है ना, जो स्वेव भाव स्वभाव जो मैं हूँ स्वस्वभाव नहीं स्वेव भाव स्वभाव, है ना, जो मैं हूँ वही मेरा भाव है, यही हो गया कर्मधारा समाज स्वभाव। ज्ञाप्ति ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्य, आत्मा का भाव क्या है चेतनता, इसलिए बताओ चेतनता आत्म स्वभाव चेतन चैतन्य। तदेव ज्ञानम आलोकम वही जो मैं एक शुद्ध व्यापक चेतन यही ज्ञान का प्रकाश। अभी ज्ञान क्या है मैं मनुष्य हूँ मैं सत्य हूँ क्या होगा मैं एक असंख शुद्ध चेतन, तदेव ज्ञानम आलोकम प्रकाश दस्य इस प्रकार प्रकाश जिस हाथ में रहते हैं तद ब्रह्म वही ब्रह्म ज्ञानालोकम विज्ञान एक रस घनम इति अर्थ, है ना, विज्ञान से भरा हुआ एक रस को मिला विजातीय कोई भी वस्तु नहीं है शैंदव घन एव प्रज्ञान घन एव इस प्रकार शब्द आता है। इसलिए विज्ञान एक रस घन चेतनता की एक घनीभूत अवस्था, चेतनता की एक घनीभूत अवस्था इसमें कोई विजातीय वस्तु नहीं है ये इसके अभिनय करते हैं। तब हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानालोकम कहाँ दिखेगा आपको, अब जो भी बैरियर टूट गया तब आप अपने को किस रूप में मिलेगा आपको समन्तते फिर चारों तरफ से बोलते हैं समन्तत समन्तात् सर्वतः व्योमवत् नैरन्तरेण व्यापक आकाश की तरह निरंतर के साथ निरंतर के साथ मतलब वही दौड़ने के इंटरप्शन है ना उदौने हर बस कोई दिन का एक निरंतर व्यापक तत्व हमको अपने आप समझ में आएगा। समन्तत मतलब समन्तात् सर्वतः व्योमवत् चारों तरफ आकाश के समान निरंतर में व्यापक होता है निरंतर अंतर का व्याप और निरंतर मतलब हो गया निरंतर तो उदौर क्या पर उसका भाव निरंतर अंतर और उसका मतलब फिर निरंतर निरंतर का भाव होगा नैरंतर और उसका तृतीय नैरंतर ये ना व्यापक निरंतर के साथ पूर्ण व्यापक रूप में आपकी कहना है पूर्वाद्य तात्पर्य कहा प्रचार दिए मैं पढ़ लिया था मनस सुषुप्तस्य समाहितस्य च इति वक्तव्यम्। अच्छा यहाँ पे क्या है प्रचार भेदे हे प्रचार किसकी प्रचार है हम बोले ना प्रचार भेदे हेतु किसकी प्रचार है तो बोल रहे मनस सुषुप्तस्य समाहितस्य च इति वक्तव्यम् इतना भेद में जोर के अर्थ करना चाहिए सुषुप्त और समाहित मन की प्रचार इसलिए बोलते हैं मनस मन का पंचा मन का सुषुप्तस्य समाहितस्य च सुषुप्त यानी मैं मन और एक समाहित मन इन दोनों में जो भिन्नता है प्रचार भेद नहीं उसको बीच में अर्थ मतलब बीच में लगा करके अर्थ समझना चाहिए। वहाँ में शुरू किया जस्मा जस्मा इति अस्य तस्मा इति उत्तरेण संबंध ठीक है ना जस्मा कहाँ है भाष्य में जस्मा कहाँ है हाँ मतलब पहले ही शब्द का अर्थ कर दिया था जस्मा और तस्मात कहाँ पे है तस्मात युक्तः इसलिए युक्ति संगत है कि उस जस्मात के साथ अकस्मात का संगत का दो संबंध है ना उसके साथ क्योंकि स्थिति ऐसी है इसीलिए ये कहना युक्ति संगत है
इसे इधर पिछले टीकाकार बोल रहे हैं दसमान इतिहास तस्मान इति उत्तरेण संबंध भाष्य में पहले पंक्ति में आए दसमान का तृतीय पंक्ति में आए तस्मान के साथ जोड़ करके अर्थ करने का संबंध है। वहाँ पे आया अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी है ना, ये समस्त प्रत्ययों की बीजा वासनात्मक जो बीज है उसके साथ यहाँ पे आदि से क्या लेना है तो बोलते अविद्यादि यदि आदि शब्द देना अस्मिता रागादयो बिन्दते आदि शब्द से क्या लेगा अस्मिता राग देश अभिनिवेश ये पंच केश अविद्या पहला है अविद्या बीज बीज रूपता अस्मिता राग देश अभिनिवेश अस्मिता किसको बोलते हैं एक बीज दृश्य एकात्मता एव अस्मिता अर्थात पुरुष हो गया दृष्टा द्विज और मन हो गया आपका दृश्य परंतु इसको हमने क्या किया मिला दिया यही अस्मिता यही डॉक्टर सब शब्द बहुत अच्छा मतलब वो चीज को परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। अभिनिवेश भी अच्छी है सरस्वती विदुष अभी तथा अभिनिवेश मतलब जन्मांतर संस्कार से मैं मर जाऊंगा मेरा ही विमान ये जो आत्मा है पुरुष है इसमें जन्मांतर क्यों नहीं है बार बार शास्त्र बोलने पर भी बड़े हुए व्यक्ति को भी यह डर नहीं जाता स्वरसोवाही जन्मांतर संस्कार से जो रस लगा उस रस के अनुसरण करते हुए समझदार व्यक्ति विद्वान व्यक्ति भी तथा भी धर्म तो पहले जैसा तो उसका भाव व्यवहार करना यही अभिनिवेश पेश है ये अभिनिवेश पेश है पांच चीज को जो है अभी आदि शब्द है ना अंश अस्मिता राग देवते अस्मिता राग देश सुख अनुशयी राग और दुख अनुशयी द्वेष है ना कोई सुख हमने पहले प्राप्त किया था तद अनुकूल मन दुभर उसको प्राप्त करना चाहते हैं ये हो गया राग असत्य और देश कोई प्रतिकूल मतलब हमको पहले कोई वस्तु अच्छा नहीं लगा था हम हमेशा उससे दूर हटना चाहते हैं ये द्वेष उत्पन्न हो जाता है ये जो है क्लेश कारक होता है ना भिन्नता को बनाते रहते हैं ना हमको तो भिन्नता को मिटाना है इसलिए इस प्रकार की क्लेश आदि शब्द ने आगे प्रेरते सुषुप्ते टीका सुषुप्ते मनसो वासना भी सह लय प्रकार कथयती सुषुप्ति अवस्था में मन का वासनाओं के साथ जो लय प्राप्त करता है वो क्या स्थिति होती है उसको कहते हैं प्रत्येक भाषा का ठीक है ना सुषुप्ति अवस्था में मन जो अपनी वासनाओं को लेकर के सोते हैं उसमें मन की क्या स्थिति होती है उसको कहते हैं भगवान भाषा का सुषुप्ते सुषुप्ति काल में मनस मन का वासना भी सह वासनाओं के साथ लय प्रकार उसकी लय की जो प्रकार है मतलब स्थिति है कथयति उसको कहते हैं कौन कथयति भगवान वासुदेव का क्या बोला तमरूपम आगत्यते एक अज्ञानात्मक स्थिति में आ जाते हैं तमरूपम आगत्यते तमरूप का व्याख्या है अविशेष रूपम बीज भाव तमरूपम ये जो आपत्यते तमरूपम टीकाकार क्या लिख रहे आपत्यते जो संबंध तमरूप को मतलब तम भाव को प्राप्त करते हैं इसका अन्वय होगा यहाँ पे ठीक है आपत्यते और फिर जो है जाड्य रूपम अवस्थान्तरा विपुलम्बित तत् विष्णष्टि ये जड़ता की रूप मन की मतलब ठीक से वस्तु को नहीं समझना ये जड़ता के रूप है जागृत स्वप्न में भी नहीं है जागृत स्वप्न में भी नहीं है इसलिए बोलते हैं जाड्य रूपम मतलब मन की इस जड़ता जड़ जड़ जड़ात्मक स्थिति मन की इस जड़ात्मक स्थिति मन जड़ है और वो जागृत में भी जड़ है सुषुप्ति में भी जड़ है स्वप्न में भी जड़ है मतलब चेतन क्यों देखता है चेतन निष्ठाता को दिखाई पड़ता है इसलिए ये जो मन की जड़ रूपता इसलिए मैं बोला है कि मन बोल रहे हैं तो हमेशा ध्यान मन से अभिप्राय क्या है जड़ और चित्त की रूपता को सुनना चाहिए इसलिए जाड्य रूपम अवस्थान्तर मतलब जागृत स्वप्न अवस्था में भी तुलना हो तो दोनों सभी मन की दृष्टि तो हमेशा ही है ये तत्व विषय नष्ट वहाँ पे क्या होता है जागृत में तो घट पर मन आदि रूप में जड़ रूप को प्राप्त करता है यहाँ पे अविशेषण घट पर हर कुछ नहीं देखता है तो जड़ रूप में बना इसलिए आपको समझना आसान पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अविशेष अविशेष रूप में बीज भाव प्राप्त करते हैं यहाँ पे सात और आठ नंबर टिप्पणी लिखे ठीक है सात नंबर जड़ रूप में जड़ त्यक धर्म मन की जो जड़ता रूपी धर्म है क्या मन जागृत में आकर के चेतन हो जाता है अथवा स्वप्नावस्था में मन चेतन हो जाता है बताए क्या जड़ जड़ ही रहता है सुषुप्त में समझ में आता है जागृत में मिला हुआ होने कारण समझ में नहीं आता
ठीक है ना, इसलिए होता है जाट्य धर्म। मन की जो एक जड़ वस्तु है मन, वो चेतन नहीं है ना। इस धर्म जागृत में भी वैसा, स्वप्न में भी वैसा, सुषुप्ति में भी वैसा। परंतु जागृत में क्या होता है, हमारी चेतना का वैसा व्यवहार होता रहता है, तो हमको लगता है मन चेतन है। सुषुप्ति में समझ में आता है कि व्यवहार नहीं हो रहा है, चेतन तो वैसे ही जगा हुआ है, चेतन में तो नेत्र नहीं है, परंतु मन पर सो जाते हैं। इसलिए वृत्ति लय प्राप्त होता है, ये होता है। अवस्थान्तर अभी जागृत आदव की जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में मन की जड़त धर्म जड़ी रहता है, वो चेतन नहीं हो जाता है ना। ये भी मैं वहाँ पर समझाने के लिए बोला। इसलिए जाट्य रूपम अवस्थान्तर में दुर्लभ तत्व विशेष भी हमें हर जगह पे दुर्लभ अवस्था होने पर भी वहाँ पे क्या हमें अविशेष रूप रहता है, और जागृत और स्वप्न में विशेष रूप रहता है मन की। जागृत काल में मन हिमालय है, नदी है, इस रूप में व्यवहार कर रहे हैं। स्वप्न काल में मन जो अपनी वासना से वस्तु को उत्पन्न करके देखते रहता है, फिर भी वो जड़ी है। जिनके पीछे से इसके पहले जमाने में आप लोगों ने देखे होंगे कि फिल्म जो देखा जाए ना, एक पीछे से एक प्रोजेक्टर होते हैं और सामने एक रील घूमते हैं, आगे एक पर्दा होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वो प्रोजेक्टर के द्वारा फिल्म को बनाते हैं, तो पर्दा में सारा चित्र बड़ा रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ देखते हैं, सबसे पीछे आत्मा की प्रकाश है, उसके सामने दिल है हमारे मन की, है मन अंतकरण की वृत्ति, और आत्मा ही सामने है, ऊपर का भी आत्मा ही है, आत्मा की बात। और क्या होता है, उस आत्मा वहाँ पे दिखाई पड़ता है सारा, उसी सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके 3 घंटे का पिक्चर पूरा देख लिया, मार धार रोमांस मनोरंजन से भरपूर पूरा पिक्चर देख लिया आपने, फिर देखने के बाद पर्दा उतना ही सफेद है, पर्दा उतना ही सफेद रहता है। ठीक ऐसे ही यहाँ भी है, हम जो कहते ना, तो वहाँ पे पिक्चर होता है, वहाँ पे किसी भी पिक्चर आएगा तो माइक को लेकर तो यही सब लोग बोल जाता, मार धास रोमन मनोरंजन से भरपूर महान धार्मिक पारिवारिक चित्र इकट्ठा बोल जाता था, कुछ भी होता उसको इसी कभी सीख के रखा था, वही बोल जाता वो महान पारिवारिक धार्मिक चित्र, और इधर मार धार मनोरंजन से भरपूर मन की जड़ता रूप जो धर्म है वो अवस्थान्तर में वैसे ही पूर्व विभाग विभाजनेन फलितम आह तस्मा। इस प्रकार से मतलब क्या हो गया, जो एक आपका सुषुप्तगत मन दिखाया, एक आपका मतलब निरुद्ध मन दिखाया, इसलिए बोलते हैं पूर्व विभाग विभाजन है ना। पूर्व 9 नंबर टिप्पणी है, पूर्व विभाग विभाजन पूर्वार्थ विभाजन है ना। पहला आधा भाग में एक क्या हुआ, सुषुप्तगत मन, एक निरुद्ध मन, इसीलिए होता है सुषुप्तम मन और निगृहीतम मन। इन दोनों विभाजन को पहला आधा भाग में दिखा तो सुषुप्तम मन निगृहीतम मन, पूर्व भाग विभाजन पूर्वार्थ विभाजन पहला आधा भाग को व्याख्यान करते विभाजन फलितम आह, निष्कर्ष क्या निकला, तस्मा फलित नहीं हुआ क्या। ग्रंथकार ने तो कहा कि दोनों का प्रचार में भिन्नता है, बिल्कुल युक्तिशन तस्मा युक्त प्रचार भेद सुषुप्त से समाहित मनस तदेव निर्भय ब्रह्म इति अर्थम आह। ठीक है ना, अब तृतीय बात को अपने आप को तदेव निर्देश, यही स्थिति जो है भय रहित व्यापक स्थिति है, इसी को अर्थ को कहते हैं। यदा क्यों भय रहित है, क्योंकि यहाँ पे ग्राह्य ग्रह भेद नहीं है ना, ग्राह्य ग्रह भेद नहीं है। तो यदा ग्राह्य ग्रह का अविद्या तो मन तय वर्जितम तदा परम अद्वयम ब्रह्म तत् संवृतम, परम भेद भी व्यापकता की भाव को प्राप्त करते हैं।
समाहितं मनो ग्राह्यं ग्राहकं इति अविद्या कृतं यत् मलद्वयं तेन वर्जितं यदा तदा इति सम्मन् समाहितं मन ग्राह्य ग्रहण अभी जो अविद्या कृतं एक ग्रहण करने जो वस्तु और एक ग्रहण करने वाला हम नहीं इसको अलग करके देखते हैं समाहित मन ऐसा नहीं देखते हैं समाहितं मन ग्राह्य ग्रहकम इति अविद्या कृतं यत् मलद्वयं जो ये जो मन है जो दोष है तेन वर्जितं समाहितं मन मलद्वयं वर्जितं समाहितं मन मन का जगह है इसलिए मन क्या होता है ग्राह्य ग्राहकम मलद्वयं वर्जितं है ना ग्रहण करने वाला और ग्रहण करने जो को वस्तु ये भाव ही मन से है ना कोई संशय का ग्रहण करने जो को वस्तु भी नहीं है ग्रहण करने वाला भी कोई नहीं है बस ये अभी दस ही दिखाई पड़ता है इतना ही मात्र यानी मलद्वयं एन वर्जितं जरा तरा इति संबंध ये संबंध है मनस ब्रह्मते निर्भयत्वं तस्य फलितं इत्यादि इस प्रकार से मन जब इस व्यापकता की भाव को प्राप्त कर जाते हैं मतलब ग्राह्य ग्रह भाव चला जाता है। देखिए ये प्राप्त करने जो तो वस्तु है संसार और मेरे पास नहीं है और जब प्राप्त करने जो तो कुछ वस्तु संसार में है ही नहीं तो मन में ये भाव भी नहीं उठेगा हाँ मेरे पास नहीं है तो ये कहाँ से हम गया अच्छा कोई वस्तु है हमारे पास और उसके प्रति हमारी प्रीति लगा हुआ मन में डर लगेगा कोई दूसरा आगे छीन लेगा पूरा वो हम ग्राह्य वस्तु होगा अब मैं उसका मालिक बन तो डर रहता है हमसे छीन लेंगे ये दोनों प्रकार से भय चला जाता है कि भिन्नता नहीं है उनके कारण ये मनुष्य ब्रह्म के लिए भय संकर्ष परिणाम क्या है इत्यत है ना इसलिए तदेव निर्विश्री वो निर्भय स्थिति है कि उसका विपरीत है तत्र हेतु अत शब्द न सूचित तत्र ना तक वो निर्भय स्थिति है इस विषय में अत शब्द का सूचित किंतु तदेव व्यक्ति वो भेद रहित है इसलिए वो निर्भय स्थिति है तत्र हेतु अंत अत शब्द न सूचित इस विषय में मतलब वो निर्भय स्थिति है हेतु की भाई यहाँ पे अत शब्द के द्वारा इन तथा में जो अत शब्द है उसके द्वारा सूचित करते हैं क्या दिख रहा है दैत रणस्य भय निमित्त अभाव अत अत शब्द क्या अर्थ हो गया द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात् निर्भयं ब्रह्म भय का निमित्त तो नहीं है इसलिए निर्भय ब्रह्म हो गया इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यद मल कि तत्र हेतु अत शब्देन सूचिता अत शब्द के द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात् यहाँ पे तो तीन नंबर चार नंबर टिप्पणी लिखे पड़ रहे हैं तीन नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं मनुष्य निर्भयते तत्र मतलब मन की निर्भय की स्थिति में है ना शब्द भी है मात्र और इति परामर्श करने के कारण अत शब्द ने दिखाते अत शब्द परामर्श करके अत शब्द शब्देन क्या कारण है भय रहित क्यों हो गया क्योंकि भय का कारण भेद शीघ्र प्राणी का काम चला गया इसलिए बताए गई ग्रहण अभाव हो जाता है अत शब्द न सूचित अब उसी को समझा रहे हैं जल उपशांत ब्रह्म अभयमिति उत्तम तस्य अभयत्वे प्रमाणं सूचयति ये जो आपने कहा कि मन जब वेदों को ग्रहण नहीं करता उस समय शांत है वही अभय स्थिति है जल उपशांत ब्रह्म अभयम है मन जब ब्रह्म भाव को जाता तथा कि भाव को प्राप्त करते हैं तो वो भय नहीं हो जाता ये जो कहा तस्य इस कथन का स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रूफ कर देते हैं अभयत्व इस अभय के विषय में प्रमाणं श्रुति प्रमाण देते हैं वहाँ पे क्या न विभेदे कुतश्चन आनंद ब्रह्म न विद्य न विभेदे कुतश्चन श्रुति व्याकरण दैत्य के वाक्य में इसे यहाँ पे बोलते हैं कि दस अभ्यर्थ प्रमाण श्रुचयति प्रमाण ये पांच नंबर के ना श्रुति अर्थापत्ति रूप श्रुत अर्थ अर्थापत्ति रूप है ना श्रुत अर्थापत्ति में कहीं भी समझाया था आपको यदि ऐसा नहीं होता मतलब यदि भय शोक कल्पित नहीं होता तो ज्ञान के द्वारा निवर्तित नहीं होता ज्ञान निवर्तक अर्थात करत शोक आत्मविद ये बात तो नहीं श्रुत अर्थापत्ति है शोक अथवा मोह इस प्रकार दैत्य ग्रहण यदि मिथ्या नहीं होता तो इस प्रकार से ज्ञान आत्मज्ञान से वो मिट नहीं था भय नहीं यानी कि भय श्रुत अर्थापत्ति है ना तो तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यत है ना तो एकत्व एकत्व को देखने वाले व्यक्ति का शोक मोह नहीं रहता
अब देखिए एक तत्व को करने वाला नहीं, मतलब एक तत्व को समझ ज्ञान से शोक मोह हट जाता है। यदि शोक मोह मिथ्या नहीं होता तो ज्ञान के द्वारा नहीं हटता, वो मिथ्या है इसलिए ज्ञान के द्वारा हटता है। आत्मज्ञान से भय चला जाता है, भय मिथ्या वस्तु कारण ब्रह्म प्रकाशने प्रकाशते नवा प्रकाशते, ये जो ब्रह्म स्थिति आप बोल रहे हैं ये हमको समझ में आएगा ही नहीं। ये तो प्रसंग ठीक है, ये तो थियोरेटिकल ठीक है, मतलब हमारे समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है तो समझ में सिर्फ शंका उठे नैनो तथम ब्रह्म प्रकाशते नवा प्रकाशते, ये जो इस प्रकार भेद रहित ग्राही तरफ आपसे रहित एक व्यापक तत्व है वो प्रकाशित होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल प्रकाशित होता है, अभी भी प्रकाशित हो रहा है, परंतु तो आप क्या है वासनात्मक दृष्टि नाम रूपात्मक दृष्टि से देखते हो, इसीलिए आपको उसी के प्रकाश से नाम रूप दिखाई दे रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नाम रूप चला जाएगा, मन उसी के प्रकाश से दिखाई देने लगेगा, इसीलिए आप बोलते हैं प्रकाशते नवा प्रकाशते प्रकाशते जे उपाय अपेक्षाया अद्वैत व्याघात, यदि वो समझ में आता है तब उस समझने के लिए तो कोई उपाय चाहिए, तब आपके अद्वैत सिद्धांत कहा नहीं, मतलब समझना वस्तु और उसकी भक्ति के लिए उपाय 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 दो भाग हो गया, तब तो फिर अद्वैत सिद्धांत प्रकाशित होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो अप्रामाणिक, होता है तो अद्वैत अद्वैत सिद्धांत के हाँ इसको तो उपाय तो पास जैसा शंका उठाया अरे पहले ही बोल कर गया था अजय ने अजय विभूत थे स्वयं प्रकाश है, ठीक है ना, बोलते हैं ननु यतत्तम ब्रह्म प्रकाशते नवा प्रकाशते प्रकाशते जे उपाय अपेक्षायम अद्वैत देहा लगो तद्वैत का देहा हो जाएगा, न जे प्रकाशते पुरुषार्थ प्रसिद्ध तब पूर्व प्रकाश के तो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है मुक्त नहीं होंगे, तो इस तरह इसको उत्तर में कहते हैं तदेव विशिष्यते ज्ञाप्ति ज्ञान आत्मात्म स्वरूप भाव चैतन्य तदेव ज्ञान आलोक प्रकाशते जैसे तद ब्रह्म ज्ञानुभव विज्ञान एक प्रकाशित होते हैं अपने आप को समझ में आ गए, वो न दूसरे को समझाया नहीं जा सकता, ना तो अपने आप समझ में आ गए। आप बताओ आपने कभी कलकत्ता गए रसगुल देखा है, हर जगह पर रसगुल्ला मिलता है परंतु तो उसमें क्या मीठा है अथवा तो क्या विशेषता है, आपको कोई कैसे समझाओ आप कैसे समझाओ, क्योंकि अपना जो अनुभव होता है वो अपने आप ही समझ में आता है, तो दूसरे को नहीं समझाया जा सकता, ये हर जगह व्यवहारिक जगत में भी है, इसके लिए तो कहते हैं कि ये तो इंद्रियों का पक्ष है, इसीलिए तस् ब्रह्मत्व सिद्धे परिच्छिन्नतम व्यवच्छिन्न, जब वो व्यापक उसको सिद्ध होने के लिए उसमें परिच्छिन्नता को निषेध करते हैं, ये जगह में नहीं समत चार और आकस्कृत निरंतर व्यापक रूप में वो अभिव्यक्त होता है, ठीक है। आज कौन सा दूसरा वाला कल वाला किए थे प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे वेदनामंतरस्थम भूतान्यालोक्यमग्नान्य विरक्त जनग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यावधारामृतमिदमरहे दुर्लभं भूतले यस्तं पुच्छाभिपुच्छं परमं गुरुं मम पादपादेर्नतो अस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बालरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मे मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त
देहाय रक्षिणा।